हे गाइस वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से टिकटॉक का नया ट्रेंड ट्यूटोरियल लाए हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो को ट्यूटोरियल जानेंगे कि आप कैसे इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नॉन स्टॉप वीडियो है जो फ्रेंड्स कभी खत्म ही नहीं होती। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ऐसी वीडियो बनाना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि आप कैसे इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको एक ग्रीन स्क्रीन पर्दे की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक ग्रीन स्क्रीन पर्दा यहाँ पे यूज़ करना है। उसके फ्रेंड दूसरा जो यहाँ पे आपको काम करना है कि आपको कुछ इस तरह से वीडियो बना लेना है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में जो डायलॉग यहाँ पे बोलेंगे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो फ्रेंड्स ये वाला डायलॉग आपको लास्ट में बोलना है, यानी कि आपको ये शुरुआत में ही बोलना है। तो फ्रेंड्स, आप नॉर्मल कैमरे से कुछ इस तरह से वीडियो बना लीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नॉन स्टॉप वीडियो का ट्यूटोरियल बताऊंगा। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप यही नॉन स्टॉप वीडियो बनाएं, आप कोई भी दिमाग में सोचकर आप एक अच्छा सा नॉन स्टॉप वीडियो बना सकते हैं जो कि फ्रेंड्स दिखता है कि जैसे कि कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं हम कैनवास ऐप में और जान लेते हैं कि आप कैसे इस तरह से एडिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने कैनवास ऐप में। फ्रेंड्स, कैनवास ऐप में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ से 9x16 का रेशियो सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो अभी आपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया है। आप जो भी यहाँ पर शुरुआत वाले जो डायलॉग बोले थे वो फ्रेंड्स आपको लास्ट में बोलना है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको एक ही में आपको इस तरीके से वीडियो बना लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से वीडियो बन जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। या तो फ्रेंड्स आप अपने डायलॉग यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं जो डायलॉग टिकटॉक पर चल रहे हैं अगर वो डायलॉग यहाँ पे बोलना चाहे आप बोल सकते हैं उसे भी। तो आपको उससे पहले आपको यहाँ पे अपने वाले वीडियो का साउंड यहाँ से बंद करना होगा। तो आपको सिंपली इसी लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे जाकर इसे यहाँ से बंद कर दीजिए। फिर इसके फ्रेंड्स आप जहाँ से ये वाला बात बोल रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको उसे कट करना होगा। तो आपको सिंपली इसी लेयर पे क्लिक करना होगा और आपके यहाँ कैचिंग निशान आएगा, आपको यहाँ पे जाकर आपको यहाँ से स्प्लिट कर देना है। यहाँ से फ्रेंड्स इसे स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक थ्री डॉट मिलेगा, आप किस पे जाकर आपको यहाँ से डुप्लीकेट एस लेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये फ्रेंड्स लेयर वे में कन्वर्ट हो जाता है और इसे फ्रेंड्स आगे की तरफ लेकर आना है आपको। उसके फ्रेंड्स जो लास्ट में ये वाला पार्ट है इसे यहाँ से हटा दीजिए। तो आपको सिंपली इसी लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ डिलीट कर देना है यहाँ से। फिर इसके फ्रेंड्स आपको सिंपली इसी लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसे यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। फिर इसके फ्रेंड्स आपको यहाँ नीचे यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे जाकर इसे यहाँ से इनेबल कर दीजिए। जब आप फ्रेंड्स इसे इनेबल करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से की कलर में आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी ग्रीन पर्दा यहाँ पे यूज़ किया है। उसके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको आगे पीछे करके यहाँ पे थोड़ा इसे आगे करिएगा यहाँ पे, और ये अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। और आपको डिटेल कर्व में भी जाकर आप यहाँ से कर सकते हैं अच्छे तरीके से एडजस्ट। तो आपको ग्रीन स्क्रीन पूरा हटा देना है यहाँ पे। फिर इसके फ्रेंड्स अगर आप डायलॉग सेम टू सेम वही वाला डायलॉग बोलना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको वहाँ से टिकटॉक वीडियो को वहाँ से आपको सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को सेव करने के बाद आपको सिंपली लेयर वाले पर जाना है और आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से उस वीडियो को ले लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं उस वीडियो को ले लेता हूँ। फ्रेंड्स उस वीडियो को लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ कैचिंग निशान आएगा, आपको यहाँ पर जाकर आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको इसके बाद यहाँ पे इस वाले लेयर को यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें बस ऑडियो का यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने यहाँ से ऑडियो ले लिया है। अब आपको फ्रेंड्स इसी ऑडियो के साथ जो जो डायलॉग यहाँ पे बोले जा रहे हैं आपको यहाँ पे उसे फिट करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर शुरुआत में कुछ बोले जा रहे हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको लेफ्ट साइड से यहाँ पे कुछ पार्ट को कट करना होगा। तो आपको सिंपली इसी लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कैची निशान आएगा, आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से कट कर देना है और इसे आगे की तरफ लेकर आना है। अब ये फ्रेंड्स ये सही से डायलॉग यहाँ से बोले जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ये वाला डायलॉग यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 15 सेकंड की वीडियो बनाना है। तो पूरा 15 सेकंड में आपको ये सब पूरा काम कर देना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेम टू सेम वही डायलॉग बोलने के लिए आपको भी इस वाले ऑडियो को जहाँ जहाँ वो डायलॉग बोले जा रहे हैं वहाँ वहाँ उसे लगा देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ शुरुआत में बोले जा रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है। फिर इसके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डंडा हुआ मारते हुए नज़र आ रहा है। तो हमने तो यहाँ पे डंडा नहीं मार रहे, हम तो आगे जाके यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार रहे हैं। तो इसे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के लिए तो आपको सिंपली फ्रेंड्स फर्स्ट वाले लेयर पे जाना होगा और आपको यहाँ से स्प्लिट करना है इसे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से स्प्लिट कर देना है और फ्रेंड्स आपको यहाँ जो फालतू का काम है उसे यहाँ से हटा देना है। बीच में से मतलब कोई भी पार्ट को हटा दीजिए तो फ्रेंड्स आपको सिंपली उसी के बराबर आ जाता है डायलॉग जैसे बोले जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सेम टू सेम वही डायलॉग बोल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको वो वाला डायलॉग नहीं सुना सकता, क्योंकि फ्रेंड्स इससे मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है। अब यहाँ से मैं इसे मारने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैं यहाँ पर इसे मारता हूँ तो कुछ इस तरीके से हट जाता है। फिर इसके फ्रेंड्स आप यहाँ पर डायलॉग फिर से बोलेंगे तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पे सेम टू सेम वही डायलॉग बोलने के लिए आपको पहले इसे एडजस्ट करना होगा। तो आपको सिंपली इसे लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ से कट कर देना है कुछ पार्ट को। तो पहले मैंने इसे स्प्लिट करा और यहाँ से फालतू पार्ट को कट कर देता हूँ जहाँ से मैं फालतू पार्ट कर रहा हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसी लेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से स्पीड कंट्रोल में जाकर आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स उसके बराबर ये वीडियो बन जाती है। तो फ्रेंड्स आपके लिपसिंग के बराबर यहाँ पे मैच करने के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो चाहे तो आप स्पीड कंट्रोल से बढ़ा लीजिए या फिर फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं कि आप बीच में से किसी भी पार्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बनी है। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीछे का आपका बैकग्राउंड है वो थोड़ा अच्छा नहीं यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन का दिख रहा है तो थोड़ा बेकार सा दिख रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे उसको लगाना होगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ करके दिखाते हैं। तो आपको सिंपली जाना होगा, नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड लेना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप चाहते हैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाता है। या फिर फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस बैकग्राउंड को वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को ले लिया हूँ। अगर आपको ये बैकग्राउंड यूज़ करना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसे यहाँ पे यूज़ करना है। आपको सिंपली इस लेयर को यहाँ से बड़ा करना है, आपको 15 सेकंड तक कर देना है इस वीडियो को। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्रॉप करना होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से क्रॉप का साइज इक्वल कर देना है। अब इसके फ्रेंड्स आपको लेयर वाले पे जाकर आपको यहाँ से मीडिया में जाना होगा और आपने जो भी अभी एक्सपोर्ट किया था वीडियो आपको यहाँ से उस वीडियो को यहाँ से ले लेना है। फ्रेंड्स उस वीडियो को लेने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से फुल स्क्रीन कर दीजिए और फ्रेंड्स नीचे जाकर यहाँ क्रोमा की एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। जब आप फ्रेंड्स इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे अच्छी तरीके से अभी बैकग्राउंड हटा नहीं है, इसके लिए फ्रेंड्स आप आगे पीछे करके यहाँ पे अच्छी तरीके से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई इससे भी ये बैकग्राउंड नहीं हटे तो आपको डिटेल कार्ड में जाना है और आपको इसे नीचे करना है। तो अब जैसे इसे नीचे करते हैं तो ये अच्छी तरीके से हट जाता है बैकग्राउंड। इसके फ्रेंड्स आपको इस लेयर को यहाँ पे बराबर कर लेना है, आपको सिंपली यहाँ पे इसे कम कर देना है इसे और बिल्कुल इस वीडियो को बराबर कर लेना है। अभी यहाँ से फ्रेंड्स आपकी वीडियो बनकर अब रेडी हो चुकी है। अब रेडी हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना होगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। अब जाकर फ्रेंड्स इसे टिकटॉक पे अपलोड कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको सेम वही डायलॉग पे अपलोड करना है वीडियो तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि मैंने एक अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मेरे द्वारा टिकटॉक आईडी में जाइए। फ्रेंड्स मेरा टिकटॉक आईडी है AKMultra, आप जैसे उसमें जाएंगे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आपको सिंपली उस वीडियो में जाना है। वहाँ से आपको साउंड पे क्लिक करके आपको वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नॉन स्टॉप वीडियो बनानी है तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, बस आपको वही चीज़ करना है यहाँ पे जो भी मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में टाइम इतना था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स अगर आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्ट वीडियो को आपके लिए लाते रहता हूँ।